वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है, उसका टाइटल है टॉप 10 बेस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया मोस्ट ब्यूटीफुल 2020, भारत के 10 सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन। क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ी इसलिए हम आपको हिल स्टेशन लेकर जा रहे हैं और खुद भी जा रहे हैं, ऐसे वर्चुअली जाते हैं क्योंकि वैसे जाकर हम लोग ना सहन नहीं कर सकेंगे इतनी सर्दी। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को, उसके लग में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। भारत के टॉप 10 हिल स्टेशन। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 हिल स्टेशन के बारे में, जहां जाना हर किसी का सपना होता है। हिल स्टेशंस का नाम सुनते ही दिमाग में आता है वहां का मौसम, सुंदरता, मनोरंजन और खाना। यही कारण है कि कई लोग हर साल अलग अलग हिल स्टेशंस पर जाना पसंद करते हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में जब हिल स्टेशन किसी स्वर्ग से कम नहीं होते। वैसे तो भारत के हर एक शहर के पास कोई ना कोई हिल स्टेशन है, पर आज हम ऐसे आपको 10 हिल स्टेशंस के बारे में बताएंगे ताकि आपको इस साल अपनी पसंदीदा जगह चुनने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। 10. मंसूरी। तो चलिए शुरू करते हैं मंसूरी से। मसूरी उत्तराखंड राज्य के देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हिल स्टेशन से शिवालिक पर्वतमाला और दून घाटियों का नजारा देखते ही बनता है। इस जगह का नाम मंसूर नाम की झाड़ी से लिया गया है जो इस क्षेत्र में बहुत अधिक पाई जाती है। गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहावना रहता है और सर्दियों में यह बर्फबारी का मजा भी लिया जा सकता है। अगर आप भी यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ के कैंटी फॉल, लाल टिब्बा, ज्वाला देवी मंदिर और झरी पानी झरने को जरूर देखें। 9. अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ के बर्फ के पहाड़, रुई जैसी सफेद बर्फ, हरी भरी घास, सुंदर झरने और यहाँ से सुंदर दृश्य इस हिल स्टेशन की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। यहाँ पहुँच कर आप अपनी थकान को पल भर में ही भूल जाएंगे। यहाँ का नैना देवी मंदिर, ब्राइट एवं कॉर्नर, चितई मंदिर, कटार मल मंदिर, बीनरस और कोसी देखने के योग्य है। अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं, तो भी अल्मोड़ा आपके लिए उपयुक्त है। 8. माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। जहां राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, वहीं माउंट आबू में तापमान कम रहता है। आज ही नहीं बल्कि कई सालों पहले जब राजस्थान के राजा महाराजा गर्मी से बेहाल हो जाते थे तो राहत पाने के लिए वो भी माउंट आबू ही आया करते थे। पहाड़ों से घिरा हुआ यह हिल स्टेशन सुंदर कलाकृतियों वाले मंदिरों से भरा है। यह जगह केवल हिंदुओं की ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान की राजसी संस्कृति की झलक भी इस स्थान पर साफ देखने को मिलती है। 7. दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से 80 किलोमीटर दूर यह हिल स्टेशन किसी जन्नत से कम नहीं है। दार्जिलिंग की सुंदरता का जादू ही है जिसके कारण यहाँ हर मौसम में लोगों की भीड़ रहती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको भी अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ की सुंदरता ही नहीं बल्कि यहाँ उगने वाली चाय भी पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ये हिल स्टेशन को अंग्रेजों के समय में ही विकसित हो गया था। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ की टॉय ट्रेन की यात्रा करना ना भूलें। 6. मुन्नार, केरल। केरल राज्य का यह हिल स्टेशन भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। यह हिल स्टेशन अंग्रेजों के समय से ही प्रसिद्ध है। अंग्रेजों के समय में यह उनका ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट हुआ करता था। मुन्नार शब्द असल में एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है 3 नदियों का संगम। मुन्नार में मधुरपुजहा, नल्लाथन्नी और कुंडाली नदियाँ एक ही जगह पर मिलती हैं। मुन्नार अपने बेहतरीन मौसम के साथ साथ यहाँ दूर दूर तक फैले चाय के बागान, छोटी छोटी नदियाँ और झरने के लिए भी प्रसिद्ध है। 5. मनाली। हमारी लिस्ट में 5वें स्थान पर है मनाली। ऋषि मनु का घर माना जाने वाला मनाली किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मनाली को इसकी सुंदरता के साथ साथ इसके हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। मनाली तक पहुंचना बहुत ही आसान है और यहां आपको अपने मनोरंजन के लिए वो सब कुछ मिल जाएगा, जैसे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग आदि। यहां कई ऐसे स्थान हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए, जैसे हिडिम्बा मंदिर, विशिष्ट कुंड,
मणिकरण, रोहतांग पास, सोलंग नाला, इसलिए जब भी यहाँ जाएं अतिरिक्त समय निकाल कर जाएं। 4. ऊटी, तमिलनाडु। ऊटी शहर उदग मंडलम के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु ही नहीं बल्कि कर्नाटक राज्य की सीमा से भी सटा हुआ है। इस हिल स्टेशन पर पहुंचने के लिए आप वायुयान, ट्रेन या बस किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन भी आपको जरूर भाएगी। दक्षिण भारत के अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और खुशनुमा रहता है, इसलिए गर्म कपड़े साथ लेकर जाएं। डोडा बेट्टा चोटी, बॉटनिकल गार्डन, ऊटी झील, कालहट्टी जलप्रपात, कोटा गिरी हिल यहाँ के दर्शनीय स्थानों में से है। 3. नैनीताल, उत्तराखंड। नैनीताल को जाना जाता है अपनी झीलों के लिए। यह जगह पूरी तरह से झीलों से घिरी हुई है। उत्तराखंड का यह हिल स्टेशन पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। आपको चाहे अपने दोस्तों के साथ घूमना हो या परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना हो, हर तरह से यह स्थान आपके लिए परफेक्ट है। गर्मियों में नैनीताल की खूबसूरती और ठंडा मौसम सैलानियों को अपनी तरफ खींच लाते हैं, और सर्दियों में बर्फबारी और विंटर स्पोर्ट्स इसे और भी आकर्षक बना देते हैं। यहाँ की सुंदरता ही काफी है किसी को भी पागल करने के लिए। 2. शिमला, हिमाचल प्रदेश। दूसरे स्थान पर है शिमला। हिमाचल प्रदेश के इस छोटे हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यहाँ की सुंदरता को शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ की हर चीज अनोखी है, फिर वो चाहे यहाँ का मॉल रोड हो या जाकू मंदिर, मशोबरा हो या कुफरी, शिमला की हर एक जगह में आपको ब्रिटिश समय की झलक देखने को मिलती है। सर्दियों के समय में यहाँ जम कर बर्फ गिरती है, और साल के अन्य महीनों में यहाँ का मौसम ठंडा रहता है, गर्मी नहीं होती। नंबर 1। 1. श्रीनगर, कश्मीर। किसी शायर ने कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। ये जगह है ही इतनी खूबसूरत कि इसे देखकर किसी के भी मुंह से ये निकले। ये एक ऐसा शहर है जिसमें कोई कमी नहीं है। सुंदर झीलें, धार्मिक स्थान, चारों ओर हरी भरी जमीन, हाउस बोट इस स्थान को हर तरह से संपन्न बनाते हैं। इस स्थान की सुंदरता को देखने का सपना मेरी तरह कई लोगों ने देखा होगा, पर पिछले कई सालों से यहाँ फैले आतंकवाद के कारण यहाँ कम लोग ही पहुँच पाते हैं। उम्मीद है कि आने वाले सालों में यहाँ शांतिपूर्ण माहौल हो, ताकि हम यहाँ जाने का अपना सपना पूरा कर पाएं। हमारे इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। अगर यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करके हमें बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन से हिल स्टेशन जाना पसंद करेंगे। इसके साथ ही हमारे अन्य वीडियो को भी जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो हिल स्टेशन पे जाने का मजा ना वाकई गर्मियों में ही आता है, क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी हो जाए तो खाली व्हाइट चादर देखने का क्या फायदा। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ज्यादातर शहर में रहते हैं वो लोग एक सुकून लेने के लिए आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। मुझे जब आप ऐसी जगह पर जाते हो, नेचर के करीब रहते हो, तो आप और ज्यादा इंजॉय करते हो। कुछ समय के लिए मुझे लगता है कि आप रिलैक्स रह जाते हो, परेशानियों से दूर हो जाते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, आप जैसे शहर से बाहर निकलते हैं ना, आपके दिमाग को, आपकी आंखों को ना सुकून मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और क्योंकि वो नेचर इतनी खूबसूरत आपको लगती है, और शहरों में तो हम लोग ऐसे भागम दौड़। वेल, अगर मैं बात करूं इन हिल स्टेशन का, स्पेशली अगर इंडिया की हम लोग बात करें, तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई है, सहूलत बहुत है। मतलब मुझे वैसे मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगती है रोड्स के अलावा, जैसे अगर हम बात करें ऊटी की, बात करें दार्जिलिंग की, बात करें शिमला की, बात करें, ये तीन जो है काफी ज्यादा वो यानी कि जाने माने हैं, बहुत ज्यादा इनका नाम है। तो नहीं नहीं, वैसे भी अगर बात करें शिमला, दार्जिलिंग बहुत ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तो यहाँ पे टॉय ट्रेन भी चलती है, तो आप जो है नेचर को एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा, जब बर्फबारी पड़ती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ट्रेन तो कम अज कम चल रही होती है ना, तो ये मुझे चीज बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसके अलावा मुझे और बहुत सारी चीजों में से ये चीज भी अच्छी लगती है कि सिर्फ वहां पर आप नेचर के करीब नहीं रहते, बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए होती है, आप इंजॉय कर सकते हैं,
प्रॉपर, यानी कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करके आ सकते हैं. क्योंकि पर्सनली अगर मैं अपने लिए सोचू ना, तो मैं सिर्फ जाकर बस देखकर नहीं आना चाहती. मैं थोड़ा एडवेंचरस टाइप की चीजें पसंद करती हूँ. पहाड़ से छलांग लगानी है नहीं, जैसे राफ्टिंग हो गई या फिर जैसे पैराग्लाइडिंग. छलांग लगाने वाली बात है. अच्छा, राफ्टिंग में कौन सी छलांग होती है? पैराग्लाइडिंग की बात कर रहा हूँ. नहीं, मतलब कि मुझे पसंद है कि आपके पास कोई एक्टिविटीज होनी चाहिए जो कि आप और ज्यादा इंजॉय कर सको. बिल्कुल. और मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगा, इंडिया के हिल स्टेशन जो बड़े बड़े हैं, जैसे दार्जिलिंग की बात करें, शिमला की बात करें, मुझे इनकी एक चीज और बहुत अच्छी लगती है कि काफी खूबसूरत, काफी ऑर्गेनाइज तरीके से बने हुए हैं. यानी कि जैसे हमने बीच में देखा कि पहाड़ के ऊपर जैसे घर बने हुए हैं, तो कितने ऑर्गेनाइज, हाँ, नैनीताल के कितने ऑर्गेनाइज तरीके से बने हुए थे. मेरे जहन में, अच्छा जहन में नाम था लेकिन जुबान पे नहीं था आ रहा नैनीताल. मुझे नैनीताल बहुत खूबसूरत लगा और नाम भी बहुत प्यारा है, मौसम और कितने कलरफुल से घर. मैंने ये, मुझे ये बड़ा वाकई में अच्छी लगती है. हम लोगों ने और भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं मौसम, जिसमें तुम्हें पता है घर काफी ऑर्गेनाइज और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो मुझे ये बड़ा प्यारा लगता है. और इसके अलावा अगर हम श्रीनगर की बात करें, मतलब वो तो मुझे ऐसे लगा जैसे, मतलब हम लोग देखते ना कि इटली में, मतलब जहां तक हम लोगों ने देखा है कि घर भी पानी में है. फिर उसके अलावा शॉप्स भी, मैंने मतलब जो छोटा सा क्लिप देखा उसमें देखा शॉप्स भी जो उनकी है वो भी पानी में ही है ना, मतलब कि वहाँ पर बोट्स के जरिए आप लोग जाते आते हैं. वो तो वाकई मैंने भी जो देखा है वो यही देखा है आपके साथ. एक लिहाज से देखे तो बहुत इंटरेस्टिंग है मॉडल कि आप मतलब अगर आपको कोई चीज, वैसे सोचिए अगर आपको कोई चीज लेने जानी हो तो आप बोट पर बैठ के जाओगे क्या? I don't know, but ये थोड़ा सा interesting है. Well, आप जरूर बताइएगा इसके बारे में. और मैं मौसम से पूछना चाहूंगी कि मौसम, अगर आपको घूमने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे इन हिल स्टेशन? मैं दार्जिलिंग और मैं नैनीताल. मुझे नैनीताल अच्छा लगा. नैनीताल मतलब इज लाइक देखें, दार्जिलिंग में, नैनीताल ये और शिमला में दोनों. शिमला भी यहाँ जाएंगे. पर एक और बात बताओ मौसम, मतलब मुझे जैसे नैनीताल में वो बहुत बड़ी एक लेक सी बनी हुई थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि ना जब आप इतने ज्यादा पानी में जाते हो ना और ऐसी इतना, मतलब क्या हम कहेंगे, विशाल चीजें, विशाल पहाड़ नहीं, मतलब ऐसा लगता है सब कुछ बहुत खुला खुला और बड़ा बड़ा और दिमाग को ना अजीब सा फील होता है. वैसे अब मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रही. एनीवे, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय की होगी. आप जरूर बताइएगा इनमें से कौन से हिल स्टेशन आप विजिट कर चुके हैं और कौन से करना चाहते हैं, और यहाँ पर और क्या क्या खासियत है ये भी बताइएगा. अच्छा सॉरी, जाने से पहले मैं एक बात बोल दूं मौसम, मुझे मंसूरी के बारे में थी, मुझे ये नहीं पता था कि मंसूरी, मुझे पहले लगा मैंने गलत सुना. मुझे भी यही लगा था लेकिन उन्होंने दोबारा वो कहा ना मंसूरी झाड़ी का. हाँ झाड़ी का. फिर यानी कि नहीं, उसके पहले भी मंसूरी का था. हाँ बिल्कुल, मैंने गलत सुना. मुझे भी यही लगा था लेकिन दोबारा जब उन्होंने मंसूरी बोला ना फिर मुझे पता चल गया. लाइक सब्सक्राइब. And keep us in your prayers. Till then, goodbye.